आज सुनो, कल मैंने आपको सवेरे सुनाया है ना, जो देखो अफ्रीका से आया, 3 दिन लगे, 3 दिन के बाद भी भगवान ने उसकी इच्छा पूर्ण किया, किसी न किसी द्वारा कर पाया है। एक ने हजारों उदाहरण है, लेकिन आपको सुना इसलिए कभी भी दुविधा में नहीं रहना। बाबा के कमरे में जाओ, अमृत मेरे शाम को योग में बैठते हो, बाबा से बात करो, बाबा सुनता है। अब आया दूसरी बात, बाबा को भोग लगाना चाहिए। माताएं भोग लगाते हो? नहीं लगाते? हाँ, लेकिन भोग किसको लगाना चाहिए किसको नहीं लगाना चाहिए, नियम मर्यादा में जानना चाहिए। जिसके घर में सभी पति बच्चे सारा परिवार ज्ञान में चल रहा है, उनको ही बाबा को दिन में एक टाइम स्नान करके खाना बना करके बाबा के लिए भोग लगाना चाहिए। जिसके घर में सभी नहीं चलते हैं, माता जी अकेले ज्ञान में चलती है और भोग लगाना चाहती है, तो कोई प्याज खाता है, कोई कैसे बर्तन है, कोई कैसा है, नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगा। क्यों? सर्वशक्तिमान श्री बाबा का भोग पवित्र चाहिए। इसलिए मधुबन में भी पहले मम्मा अकेले ही भोग बनाती थी, भोग बना खिलाती थी, कोई भोग नहीं बना सकता। आज भी मधुबन में भोग बनता है तो सारे खिड़की दरवाजे बंद करते हैं, किसी की नजर भी नहीं जाना चाहिए। अरे भोग बनाने से पहले इनकी नजर लग गई, नजर पड़ गई, सब दरवाजे बंद कर गए। तो इधर भी भोग बनाते समय शिव बाबा को भोग लगाना, देवी देवताओं को भोग लगाने में अंतर है। तो अगर फिर भी माता जी कहते मुझे भोग लगाना है, हाँ उसकी भी व्यवस्था है। अगर घर में कोई नहीं चलते ज्ञान में, माता जी अकेले चलती है, तो आप फल ले लो, केला ले लो, एप्पल ले लो, कोई भी फल काट करके बाबा को भोग लगाओ। लेकिन खाना बना करके जिस चूल्हे पर बाकी कुछ खाना बनता है वहां भोग लगाना चाहिए। नहीं बनता तब तो भी सभी लोग ज्ञान में नहीं चलते, सभी लोग नहीं चलते ना, तो उनके वातावरण अलग है। प्याज तो सुन नहीं खाते, ठीक है, लेकिन इतनी स्वच्छता नहीं, सभी सवेरे उठते ही सभी स्नान करके खाना नहीं बनाते, किचन में नहीं जाते। अगर आप अकेले हो, आप ही सब किचन में सब देखते हो, खाना बनाते हो, बहू बच्चे कोई नहीं आते हैं, तो अगर आपका फुरार है तो हाँ कोई ज्ञान में नहीं चलते। तो आप सब लोग बाहर गए, आप स्नान बना के अलग खाना अच्छी तरह से बाबा को बनाकर भोग लगा सकते हैं, तो कर सकते। अगर आपका पूरा घर में आप अकेले हो तो चल गया, ठीक है। हाँ तो आप अकेले किचन में जाते हो, दूसरा कोई आए और किसी का है, तो वो वातावरण वाइब्रेशन ठीक नहीं है, इसलिए व्यवस्था बतानी पड़ती है। नहीं तो भोग लगाना सबको पता है, लेकिन कैसे, क्यों बता रहा हूँ, आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल। जयपुर में भोग बना रही थी बहन जी को लगा आज गुरुवार है, स्नान किया सिर पर, स्नान करके भोग बना करके लाके रख दिया, लेकिन फैन भी चलता है, तो पनीर की सब्जी थी, तो हवे में बाल उड़ते हैं, तो पनीर की सब्जी में बाल का कपड़ा गिरा, सब्जी बना करके भोग ला करके रख दिया। दूसरी बहन संदेशी वतन में गई, बाबा ने कहा बच्ची सांप लेके आए हो, बाबा भोग में सांप कैसे होगा, देख लो, बाबा ने देखा सांप पलाया है, तो वो माने नहीं, बाबा सब कैसे इतने छोटे डब्बे में आएगा, तुरंत नीचे पहुंच गए, नीचे आ गए, कहा जिसने भोग रखा था उसको बुलाया, देखो बाबा ने इसमें अंदर सांप दिखाया, अरे सांप कैसे आएगा, देख लो खोलो, खोल के देखा तो पनीर की सब्जी में बाल का टुकड़ा था। तो हम सिर पर स्नान करते हैं, फैन चल रहा है, कितनी स्वच्छता चाहिए। गड़बड़े में किया, एक पत्ते के साथ घास चला गया, हाँ सफाई नहीं किया अनाज अच्छी तरह से, तो शिव बाबा को भोग लगाते समय सफाई स्वच्छता नहीं लगा सकते, कोई अच्छा नहीं, फल काट के लगा। तो ये सुविधा जानना चाहिए, विधि जानना चाहिए, कब लगाना चाहिए, और दिन में एक टाइम लगाओ, सवेरे गड़बड़ी होती है, शाम को भी नहीं, दिन में खाली रहते हो, आराम से अच्छे तरह से लगा सकते हैं, ठीक है, समझ में आया, भोग कैसे।